वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। देखो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, प्रोपोगेट दैट मीन्स ट्रैवल करना, और ट्रैवलिंग किसकी हम लोग किसके ट्रैवलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग करना किसका, लाइट का ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमको ये समझना है कि लाइट ट्रैवल करता कैसे है, उसके ट्रैवलिंग का मैनर कैसा है, तो इसी बात को हम आज समझने वाले हैं। और अगर हो सके और टाइम रहे तो हम लोग फिर शैडो के बारे में समझेंगे आज। तो इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। देखिए लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो ट्रैवल करेगा उसकी ट्रैवलिंग हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में होती है। लाइट कभी भी कर्व पाथ में, ऐसा नहीं कि कभी यहाँ से चला फिर यहाँ आया फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मतलब ये लाइट कर्व पाथ में नहीं ट्रैवल करता। जब भी ट्रैवल करता है हमेशा ही स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करेगा। और ये जो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करने की जो क्वालिटी है लाइट की, उस क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। दैट मीन्स द फेनोमेना ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ, द फेनोमेना ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो ये तो समझ में आ गया हमको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है क्या। अच्छा अब हमको ये तो मेरे बोलने से तो नहीं हो जाएगा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, मैं बोल दिया और ये प्रूफ हो गया, नहीं। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करनी पड़ेगी। और प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट देना पड़ेगा। तो चलिए जरा सा एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करना होगा, हमको ये प्रूफ करना होगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो इसके लिए हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए सबसे पहले एक लाइट सोर्स। हमने सपोज करो एक लाइट सोर्स ले लिया, ये कैंडल या कुछ भी हो सकता है, ये लाइट सोर्स ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हमने ले लिया लाइट सोर्स, ये कैंडल हमने ले लिया, ठीक है, ये लाइट सोर्स। अब क्या होता है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक पाइप के थ्रू, हॉलो पाइप, कैसा पाइप है ये, हॉलो पाइप, स्ट्रेट हॉलो पाइप के थ्रू हमने क्या करना है, इसको यहाँ से देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे यू विल फाइंड, आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है ये। तो यहाँ से जब आप देखोगे इसको तो ये यहाँ से क्लियरली ये मेरा क्या होगा, विजिबल होगा, क्यों, ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट पाइप है। तो यहाँ से आपको क्लियरली जो फ्लेम है वो फ्लेम दिखेगा। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अब हमने क्या करना है, सेम पाइप है बट सेम पाइप को क्या करते हैं, थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। पहले समझिए एक्सपेरिमेंट हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने एक लाइट सोर्स ला लिया और हमने एक थोड़े से डिस्टेंस से कहीं भी थोड़ा डिस्टेंस ले लो आप, और वहाँ से हमने क्या किया, एक हॉलो पाइप, हॉलो बट स्ट्रेट पाइप, वहाँ से हमने क्या किया, इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से देखने पर क्या होता है, ये क्लियरली दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट है और यहाँ से लाइट आसानी से ट्रैवल कर जा रहा है। अब क्या किया, हमने सेम पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दिया, ये आपके पास यहाँ वाला पोर्शन तो हमने ठीक रखा, ये ऐसे, हाँ, और हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा इसको बेंड कर दिया, ये बेंड कर दिया, ये बेंड हो गया। अब जब यहाँ से ऑब्जर्व करोगे आप, यहाँ जब अपना आई पुट करोगे यू विल फाइंड कि क्या होता है, लाइट इज नॉट विजिबल टू अस, द फ्लेम इज नॉट विजिबल टू अस। ये क्या परेशानी हो गई, पहला तो उसी पाइप से हमको दिख रहा था, फिर सेम पोजीशन पे अगर रखो, आपको लगेगा कि पोजीशन चेंज कर दिया हमने, नहीं, पोजीशन हमने सेम रखना है। अब क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो आपको नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम एक ही हुआ कि इस बार मेरा पाइप जो था सेम था, हॉलो पाइप है, वही क्वालिटी है, वही पाइप था, हमने थोड़ा सा एक पोजीशन पे क्या किया, इसको बेंड कर दिया, और बेंड करने के कारण लाइट की प्रॉपर्टी को, अब क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट पास नहीं कर पा रहा, यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइट आ रहा बट फिर यहाँ के बाद क्या हो रहा, और आगे नहीं जा पा रहा, दैट्स वाई फ्लेम इज नॉट विजिबल टू अस,
इसका मतलब ये चीज़ें बहुत क्लियर हो गया क्या? लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा, अगर स्ट्रेट पाथ नहीं है तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट था आपके पास, कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट, याद है ना? ये कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट, आप क्या करो, तीन कार्डबोर्ड लेते थे, कार्डबोर्ड ले लो, ये कार्डबोर्ड हमने ले लिया, और एक और एक्सपेरिमेंट जो था आपके पास प्रूफ करने के लिए, तो ये तीन कार्डबोर्ड, और क्या किए, सेम पोजीशन पे आपने क्या किया, होल कर दिया, यहाँ क्या किया आपने, कैंडल रख दिया, है ना, एक कैंडल रख दो, और इस जगह से किसी भी एक पोजीशन से बाहर से आप क्या कर रहे थे, इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो बाहर जब एक पोजीशन से आप यहाँ पे आई फिट किए और यहाँ से आपने क्या किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, आपको क्लियरली क्या हो रहा, फ्लेम दिख रहा है, क्यों, ये तीनों के तीनों जो होल हैं ये कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन में अभी हैं, ये स्ट्रेट लाइन में थे। अब आप इन तीनों में से किसी एक को भी, ऐसा नहीं कि इसको या इसको या इसको, किसी एक को भी आप डिस्प्लेस कर दो अपने पोजीशन से थोड़ा सा, आप तो या तो ऊपर या नीचे या साइड कहीं भी कर दो, जैसे ही आप ऊपर नीचे साइड कहीं भी करोगे, अब ये तीनों के तीनों होल अब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में रहे नहीं। अब जब आप यहाँ से देखोगे तो अब आपको फ्लेम क्या होगा, क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है, फिर पहला एक्सपेरिमेंट तो हमने प्रूफ कर ही लिया था, तो इससे भी ये प्रूफ होता है कि लाइट क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ट्रैवल करेगा और नहीं है तो ट्रैवल नहीं करेगा। तो ये जो था, ये रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी लाइट की जो है, ये रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है।